हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ एंड गुड मॉर्निंग। अभी जो है मैं जस्ट सो के उठी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, तो आज उनकी ड्यूटी जो है जल्दी थी, तो मैं बस सो के उठी। मैंने कहा ब्रेकफास्ट बनाऊँ, बट उन्होंने बोला कि आज वो बाहर ही करेंगे, मतलब वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी मिलता है उनको। आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया, तो फिर मैं जस्ट उठी हूँ। मैंने कहा चलो अब उठी गई हूँ तो वापस क्या सोना, नींद तो पूरी हो गई है। अब फटाफट अपना काम पूरा करती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट में सोचना पड़ेगा कि क्या बनाऊँ। सोचती हूँ क्योंकि मैं तो ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि मैं उन लोगों में हूँ कि चाय एक जने का बनाना पड़े। मैं अपना खाना खाती हूँ और बनाती भी हूँ। सो गाइस, अभी तो मेरे बहुत सारे काम हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, सो मैं एकदम नहा धो के अपने सारे काम करके फ्रेश ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हेयर तो वॉश नहीं करना था, और अभी ना मुझे जस्ट ऐसे याद आ रहा था कि मैंने इस ड्रेस में बहुत वीडियो बनाई है, बट मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगती है। गर्मियों में ना ड्रेस पहन लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, कल मेरे हस्बैंड ने मुझसे ना चने भिगवाए थे, मुझे अभी याद आया, काले वाले। और मैंने सोचा वो खुद खा के नहीं गया, मैं क्या बनाऊँ। तो उनको तो मैं शाम को क्या करूँगी, उसका चाट बना के दे दूँगी, उसमें प्याज नींबू जैसे करके बनता है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि उसी को बॉईल करके मैं उसके पराठे बनाती हूँ। ये मैं आज एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी एक मामी है जो जब हम उनके पास छुट्टियों में जाते थे तो वो दाल के पराठे बनाती थी, तो मुझे बहुत पसंद आते थे। तो वो पता नहीं कौन सी दाल के बनाते थे, मुझे याद नहीं है, बट मैंने सोचा इसके भी ट्राई करती हूँ। तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ, तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे एक तो मैं, मेरी कुकिंग चैनल बिल्कुल नहीं है, मुझे कुकिंग आती नहीं है, ये बस मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो अगर आप में से किसी को अच्छा लगे तो इसको ट्राई करना, नहा के भी फिर से पसीना आ रहा, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, और ना पसंद आए तो फिर मत ट्राई करना। मैं तो बस ऐसे जस्ट उसके लिए कर रही हूँ ट्राई। और आप में से ना बहुत से लोग ये कह रहे थे, कैमरा फ्लिप कर देता है, कि मेरा जो है आवाज़ का थोड़ा रहता है कि आवाज़ नहीं आती है सही से, तो मैं माइक का सोचूंगी अभी कि माइक लेना चाहिए नहीं। बाकी थैंक यू, आप में से मुझे बहुत लोग बताते रहते हैं कुछ होता है। और मेरी ये वाली बात मेरी सिस्टर ने भी बोला था कि उसको मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती है, तो मैं इस पर ज़रूर ध्यान दूंगी, थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूंगी। तो अभी क्या है ना कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और क्योंकि मुझे तो खाना ही है, अब वो नहीं करके गए तो मैं तो खाऊंगी। तो अभी मैं बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। वैसे बड़ा डिफिकल्ट है कुकिंग को शूट करना, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको आटा लेना है, उसमें अजवाइन डालना है और उसका डो रेडी कर लेना है। उसके बाद चने को ऐसे पीस लेना है और उसमें अमचूर पाउडर, नमक, जो बेसिक चीज़ें होती है वो डाल दो, और हींग जरूर डालना क्योंकि ये चने जो है उससे गैस बनती है। फिर मैंने आटा गूंद लिया, इसके दो पराठे बन सकते थे पर मेरे को आटा बचाना नहीं था और मुझे एक ही खाना था, तो मैंने इसका एक ही पराठा बना लिया। तो उसके बाद आपको ऐसे इसको बेल के और जो आपने स्टफिंग रेडी की थी उसको इसमें डाल लेना है, और बिल्कुल जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना उसी तरीके से, बल्कि मैं तो कहूँगी आलू के पराठे से भी इजी है क्योंकि ये टूटता नहीं है। आप इसको बेलोगे ना, ये बिल्कुल भी नहीं इसमें से बाहर निकलेगा कुछ, वो बल्कि रोटी के साथ फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। तो ये बहुत इजी है, आप में से अगर कभी कोई ट्राई करे तो ज़रूर करना। तो इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया और ऐसे करके इसको सेक लेना है अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें घी लगाया, और क्योंकि मुझे कम ही लगाना था क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली खाती नहीं हूँ, पराठे वैसे खाती नहीं हूँ। और उसके बाद इसको अच्छे से सेक लेना, और देखो मेरा पराठा कैसे फूल रहा है, यानी कि मैंने बहुत अच्छा आटा गूंदा था। उसके बाद मैंने सॉस और थोड़ी सी चटनी के साथ इसको खाया, और अपने लिए कॉफ़ी भी बनाई थी। तो इसकी स्टफिंग मैं आपको दिखा रही थी बिल्कुल भरी हुई, तो मैंने सोचा अब ट्राई करके भी देखती हूँ टेस्ट। मैं आप लोगों को बता तो रही हूँ अच्छा है, एटलीस्ट खाने में भी अच्छा होना चाहिए। खाने में भी बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया, और मैं बनाती रहती हूँ ये। आज तो खैर एक्सपेरिमेंट था, पर एक मैंने पहले भी किया था, वो उतना अच्छा नहीं बना था, पर आज ज़्यादा अच्छा बना है। उसके बाद मैं मैंगो खा रही थी और मेरे फ्रेंड भी मेरे घर आने वाले थे। आज मेरी वीडियो वो हो गई, व्हाट आई ईट इन अ डे। हेलो ईवा, अब तो रो रहे हो भैया, यहाँ फ़ोन देखने में बिजी हैं। से हेलो आमी, से नो। ये लोग अंधेरे में बैठा है, देखो मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ पूजा का, बट देखो। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे और सिमी मेरा व्लॉग शूट कर रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि व्लॉग शूट कर, लेकिन जैसे कोई नया आता है तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो ये थी हमारी वो फ्रेंड जो आई थी, ये भी आसाम में ही, इनकी पोस्टिंग आई है लेकिन इनकी कहीं दूसरी जगह आई है, और इनकी बेटी है, तो इन्होंने आज एक स्टे लिया था। उसके बाद इन लोगों के हस्बैंड भी आ गए, और ये भी सिमी ने ही शूट किया। वो मेरी बहुत हेल्प करती है, मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि शूट कर शूट कर, मैं ही थोड़ा शर्माती हूँ। तो ये भैया यहाँ पे हेलो बोल रहे थे सबको। सो गाइस, उसके बाद मैं ये सिमी है, इसी ने मेरा व्लॉग शूट किया, तो ये मुझे बहुत हेल्प करती है सच में, थैंक यू सिमी। और आपको पता ही अब क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।